बात, ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हमारे प्रधानमंत्री भी बक रहे हैं कब से सोशल डिस्टेंसिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एलीट और मोदी जी अपने घर में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं, हम और आप कर सकते हैं। जो पैसे वाले जिनके घर में दो कमरा है, मैं तो कई जगह ऐसा सुना हूं कि एक कमरे में बीवी एक कमरे में शौहर सो रहे हैं, वहां बहुत अच्छा लगता है सुन के कि सोशल डिस्टेंसिंग हस्बैंड एंड वाइफ कर रहे हैं। पर कभी आप स्लम्स गए हैं, कभी आप गरीबों के बस्ती में गए हैं, कभी आप गांव में गए हैं जहां 10x10 के घर में 10 लोग रहते हैं, जो सुबह को उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात को आते हैं तो रात को सिर्फ सोने के लिए अपने घर में आते हैं। इतना बड़ा घर बना है कि 10 लोग परिवार बस सो सके, रहने के लिए घर नहीं है, वो सोने के लिए घर है। अंग्रेजी में कहते हैं दैट होम इज नॉट मेंट फॉर लिविंग, दैट होम इज मेंट फॉर सर्वाइविंग। ऐसे घर हैं जहां लोग सिर्फ जीने के लिए वहां रहते हैं। तो ऐसे घर में जहां लोग सिर्फ रात को सोया करते थे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं 24 घंटा उस छोटे घर में रह सकते हैं, कि एक जेल बनाकर कैसे रह सकते हैं वो। तो सरकार ने तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑर्डर कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग, मैं कहा साफ कर दू, इज अ मिथ। सोशल डिस्टेंसिंग इज जस्ट अ वर्ड for elite and middle class, for poor people, for people of the slum, for people of ghettos, जहाँ पे ghettoization का culture है, वहाँ पे social distancing is a myth. और इस myth को लोगों को समझना होगा, social distancing myth है। जाके धारावी मुंबई के slum में देख लें, क्या social distancing possible है धारावी में? एक छोटे से घर में 20 लोग रहते हैं, छोटे से घर में, जहाँ जितने बड़े हमारे घर के बाथरूम होते हैं ना, उतने बड़े घर में लोग 20 लोग रहते हैं। तो ऐसे घर में social distancing कैसे possible है? तो क्या solution है? Solution ये है कि अंधी बहरी और गूंगी सरकार जो है, जो डिटेंशन कैंप बनाकर लोगों को डिटेंशन कैंप में रख रही थी, अब वो सरकार को कैंप बनाना चाहिए कोरोना वायरस पेशेंट्स के लिए। जो सरकार 4,000 करोड़ डिटेंशन कैंप में लगा सकती है, क्या वो 1,000 करोड़ कम से कम खर्च करके हर शहर में एक कोरोना वायरस के लिए, जैसे स्लम के लिए, जहां पे जिनके घर, जिनके पास घर नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, उनके लिए ऐसे कैंप्स बनाकर उनको रख नहीं सकती है? रख सकती है, पर कब रख सकती है? जब नियत हो अच्छा काम करने का। इनका नियत अच्छा काम करने का नहीं है। आप देखिए, लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए हमें यहां आकर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं। अगर लोग भूखे नहीं मरते तो हमें कोई शौक नहीं है कि कोरोना वायरस अपने घर से बाहर आकर काम करने का। वी आर, मतलब हमें अपनी भी जान के पड़ी है, मगर हमसे रहा नहीं गया, हमारे अंदर की इंसानियत मरी नहीं है। और ऐसे में आपको 50 एनजीओस की लिस्ट दे दूंगा पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जो काम कर रहे हैं, जो हमसे टच में है। हम सिविल सोसाइटी मेंबर्स का नाम दे दूंगा। सरकार से गुजारिश है कि उनसे कोलैबोरेट करके ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। अब पीएम केयर फंड में पैसा मंगा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई पीएम केयर फंड में पैसा मंगाने की? क्या सर टैक्स के पैसे कम पड़ गए? कौन सा देश पीएम फंड केयर बना रहा है? कोई देश नहीं बना रहा है। पर आपने क्यों बनाने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि आपने टैक्स के पैसों का डिटेंशन कैंप बनाया, आपने टैक्स के पैसों का पुतला बनाया, आपने टैक्स के पैसों का हॉर्स ट्रेडिंग किया, आपने एमएलए को खरीदा, एमपी को खरीदा, ये आपने टैक्स के पैसों का किया है। हमारे पैसों का आपने गलत इस्तेमाल किया। जब हमें प्रॉब्लम आई है तो हमसे कहते डोनेशन करो। ये मजाक बनाना बंद करें। ये कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि सरकार अच्छे नियत के साथ काम करना शुरू करे और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। अब एक बार इस पूरे इलाके में, जिस गांव में है ना, घूम के देख ले कितनी यहाँ पे गरीबी और कितने लोग परेशान है। पैगाम पहुंचना चाहिए जनता को, क्या बोलना चाहिए? जनता से नहीं, जनता को पैगाम पहुंच चुकी है। जनता डरी हुई है और जनता पैगाम तभी सुनने को तैयार है जब पेट में खाना होगा। जिसके पेट में खाना नहीं, वो सुनने को तैयार नहीं है। तो पहले खेत में खाना दीजिए, फिर हम बात करें जनता से। लोग बहुत परेशान है। मैं यहाँ क्या करने आया, उससे पहले आपको बता दूं, 2 दिन पहले न्यूज आया है, हम सब जानते हैं कि एक माँ ने अपने 5 बच्चों को नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक कर मार दिया। एक माँ ने 5 बच्चों को नदी में फेंक कर मार दिया। हम सब जानते हैं ये बात। अगर हम देशवासी, इस दुनिया के वासी बोलता हूं, अब देशवासी ये सब छोड़िए, कोरोना वायरस ने कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और अमेरिका नहीं देखा। कोरोना वायरस ने कोई बाउंड्रीज नहीं देखा। तो कोरोना बाउंड्रीज जो इंसान ने बनाया था, कोरोना वायरस ने उस बाउंड्रीज को लात मार दिया है और कहा कोरोना वायरस को बाउंड्री देखता नहीं है। तो दुनिया के लोग इस चीज को देखें और इससे सीख लें कि अगर 5 बच्चों को एक माँ नदी में फेंक कर मार देती है और ये न्यूज सुनने के बाद हमारी रातों की नींद हराम नहीं होती है, तो शायद हमारे अंदर की इंसानियत मर गई है। अब आकर देखें, इन गांवों में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग, भूखे मर रहे हैं लोग। सरकार कह रही है कि हम खाना पहुंचा देंगे लोगों तक। खाना कितने लोगों तक पहुंचाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे आप? बीपीएल कार्ड वालों को पहुंचाएंगे? जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है वो गरीब, उनको, उन तक कैसे पहुंचाएंगे आप? सबके पास बीपीएल कार्ड नहीं है। राशन कार्ड वालों को पहुंचाएंगे? जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उसके बावजूद आपने एक और नया सिस्टम ला दिया, ये फॉर्म भर दीजिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। बहुत से लोग उतने पढ़े लिखे नहीं, जिनको पता नहीं है फॉर्म किस तरह भरना है, क्या स्टैंप मारना है, कहां साइन करना है, खाना कैसे मिलेगा। बहुत से लोग माजूर है, घर पर है, जिनको कोई बीमारी है, वो खाना लेने जा नहीं सकते, उन तक खाना कैसे पहुंचेगा? तो ये सारी सवाल है, इसके जवाब कौन देगा? जवाब हम तो नहीं देंगे, जो सत्ता में जिसको वोट देकर पहुंचा है जवाब वो देगा। अब सवाल ये है कि जो सरकार
आम दिनों में हर नागरिक तक खाना नहीं पहुंचा पाता है, यानी कि आम दिनों में जब कोरोना वायरस और लॉकडाउन नहीं है तो लाखों की तादाद में लोग भूखे रहते हैं और भूखे पेट सोते हैं। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के वक्त लोगों के हर घर घर तक खाना पहुंचा देगा, जब आम दिनों में लोग भूखे भूख से मर रहे हैं तो लॉकडाउन के वक्त कैसे खाना पहुंचा देगा? तो ये उम्मीद नहीं कर सकते हम। सोल्यूशन ये है कि अब हमें वॉलंटियर्स लाने होंगे, फील्ड पे उतारने होंगे, मेडिकल टीम से, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सिविल सोसाइटी मेंबर्स को। अब देखिए, हम सरकार ने कहा कि कोई बाहर जाकर खाना नहीं बांट सकता, मगर हम बाहर आए खाना बांटने, हमसे रहा नहीं है घर पर, हम अपने घर पे नहीं रह सकते जब लोग भूख से मर रहे हैं। अपनी कम से कम इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने CSR सुना है, CSR सुना आपने, मैं ISR कहता हूँ, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम वो पूरी करने यहाँ पर आए हैं। तो हम किस तरह आए देख सकते, पूरी टीम हमारी है और भी लोग वहां पर है, पूरी टीम हम आए हैं 8-10 लोग, सारे लोग PPE पहनकर, PPE किट जो डॉक्टर्स पहनते हैं हॉस्पिटल में, हमने इसका अरेंजमेंट करवाया, हम यहाँ पर बांटने आए पूरे प्रोटेक्शन के साथ, ताकि कोई हमें रोके भी ना, कोई किसी पे मौका ना मिले हम पे उंगली उठाने के लिए, देखो ये खाना बांटने जा रहे हैं। तो हमने पूरे PPE किट के इंतजाम के साथ यहाँ पहुंचे हैं हम, और मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे वजह से कोई कोरोना वायरस को बढ़ावा न मिले, बल्कि साथ साथ सरकार को मदद मिल जाए, हम खाना भी लोगों के घर तक पहुंचा दें। सरकार से गुजारिश है कि हम जैसे और भी कई अन्य NGOs हैं और सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, उनसे कोलैबोरेट करें और उनके साथ मिलकर हर घर तक खाना पहुंचाए। राशन दुकान में राशन पहुंचता है, सरकार को लगता है कि राशन गरीब के घर तक पहुंच जाएगा, पर राशन दुकान से आधा राशन कब वहां के पार्टी लीडर्स और लोकल लीडर्स और वहां के लोकल गुंडे गायब कर देंगे, सरकार को मालूम नहीं चलेगा, कुछ सरकार के लोग हैं जो गायब कर देते हैं। तो इन सारी चीजों पर चेक कौन रखेगा? चेक जब सिविल सोसाइटी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को पिक्चर में लाएंगे तो वो चेक रखेंगे, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा फिर। तो इस ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करने के लिए, अश्योर करने के लिए, हमें सिविल सोसाइटी मेंबर्स और NGO वालों को इस काम